देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये बहुत ही खूबसूरत व्यू दे दिया गया है। यहाँ पे लोग आते हैं जो फोटोज़ वगैरह क्लिक कर। ये देखिए ये हनुमानगढ़ी का निकास द्वार जिसका निर्माण कार्य भी चल रहा है। ये देखिए, और ये मार्ग जो है कुछ इधर से इसी तरीके से इधर से होते हुए निकलता है ये। और आगे थोड़ा सा और अपडेट, इसमें लाइटें लगी हैं और लाइट जो अभी ऑन है, दिन में इसको बंद करना चाहिए। और इधर मैं जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम खड़े हैं भक्ति पथ मार्ग पे और आज की इस वीडियो में आपको छोटा सा ही वीडियो होने वाला है और इसमें आपको दिखाएंगे भक्ति पथ पे यानी हनुमानगढ़ी के जो निकास द्वार का है उसका क्या निर्माण कार्य चल रहा है, भक्ति पथ पे क्या अपडेट है, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए ये एंट्री गेट है भक्ति पथ मार्ग का। ये देखिएगा इधर से आपको एंट्री करना रहता है। इधर आप लोग देख पाइएगा तो ये रेलिंग वगैरह लगाया गया है और इधर से आपको जाना है हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के लिए। ये देख पाइएगा, चलिए आपको पूरा दिखाते हैं कैसे जो है निकास द्वार का निर्माण कार्य चल रहा है वो, साथ में और भी जो कुछ चीज़ें अपडेट किए गए हैं भक्ति पथ मार्ग पे वो आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, अभी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। भाई लगभग दोपहर हो चुके हैं और अभी इस टाइम ज़बरदस्त धूप है, लेकिन देखिए भक्तों की भीड़ हनुमानगढ़ी पे इस तरीके से लगी हुई है। और अभी जो है निकास द्वार के काम चल रहे थे, लगभग जो है कंप्लीट कर दिए गए हैं, लोगों को पीछे से जो है निकाल रहे हैं। यहाँ से भी देखिए ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है। ये देखिएगा, अगर आप अयोध्या का भी आते हो तो सबसे पहले आप यहाँ पर आइए, हनुमानगढ़ी पर दर्शन कीजिए, उसके बाद जो है रामलला का दर्शन करने के लिए इधर से जाइए। इधर मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, ये है पूरा भक्ति पथ मार्ग और इधर ये देखिए हनुमानगढ़ी, देखिए ज़बरदस्त भीड़ है और इधर जो है लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ देख लीजिए भक्ति पथ मार्ग का नज़ारा, अभी ज़बरदस्त बिल्कुल भीड़ है। आप देखिए पूरा आगे, जब से ये दीपोत्सव का टाइम आया हुआ है तब से और भी ज़्यादा भक्तों की भीड़ बढ़ गई है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से जो है निकास द्वार है, इस पॉइंट से इधर सबसे पहले आपको निकास द्वार दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इधर ये है निकास द्वार, अभी जो है इसका पूरा निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस पॉइंट से ये देखिए जो तोड़ रहे हैं, इधर से पूरा निकास द्वार आएगा इधर से होते हुए। ये देखिएगा, ये दोस्तों पूरा निकास द्वार रहेगा। देखिए सभी लोग जो है इधर आए, जितने भी शॉप वगैरह थे सब देखिए तोड़ रहे हैं क्योंकि निकास द्वार कुछ इतना चौड़ा किया जा रहा है, इधर से आ रहा। देखिए ये, अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा उधर। ये देखिए ये पूरा निकास द्वार ही मार्ग है ये जिसका देखिए कार्य किया जा रहा है। ये सारे देखिए सारी चीज़ें हटा दिए यहाँ से। ये देखिए कुछ इतना चौड़ा बनाया जाएगा ठीक रहेगा क्योंकि भक्तों की भीड़ ज़बरदस्त रहती है यहाँ पर और एक टाइम में भीड़ ज़बरदस्त लगती है। ये देखिएगा इधर से और कुछ इस साइड से, देखिए ये इधर से आ रहा है, इधर से मार्ग ये, और ये कुछ इस तरीके से अपडेट किया जा रहा है। ये देख पाइएगा और मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको निकास द्वार कहाँ से है। ये देखिए दोस्तों, ये है निकास द्वार जिसका अभी जो है निर्माण कार्य चल रहा है। ये देखिएगा इधर पूरा, देखिए इस तरीके से तोड़ रहे हैं इसको। ये देख पाइएगा दोस्तों, ये देखिए ये हनुमानगढ़ी का निकास द्वार जिसका निर्माण कार्य भी चल रहा है। ये देखिए, और ये मार्ग जो है कुछ इधर से इसी तरीके से इधर से होते हुए निकलता है ये। और आगे थोड़ा सा और अपडेट किए जा रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ राजद्वार मंदिर के पास। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से लोगों को दर्शन करा के यहाँ से निकाला जाएगा और सीधे सामने जो है भक्ति पथ मार्ग है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद जो है लोग रामलला का दर्शन करने जा पाएंगे लेफ्ट साइड से इधर से। एक्सीडेंट
ये देखिए दोस्तों, ये इधर जो है भक्ति पथ मार्ग यही पूरा है, और इधर से जो है ये जाना है लोगों को राम मेला का दर्शन करने के लिए, तो इस साइड से जाएंगे यहाँ से। ये देखिए आगे जो है दशरथ महल मिलेगा, और उसके बगल से जो है आपको एक मार्ग मिल जाएगा जहाँ से आपको जाना सीधा राम लला का दर्शन करने के लिए। इधर मैं दिखाऊँ तो इधर भी बहुत सारी चीज़ें जो है अपडेट कर दिए गए हैं इस मार्ग पे, जो लोगों के लिए ही काफ़ी अच्छे हैं, और एक अच्छा खासा प्लेस बन गया है कि लोग जो है टाइम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से बना दिया गया है, इधर से हम चल के आपको दिखाते हैं। ये देख पाइएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये बहुत ही खूबसूरत व्यू दे दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे लोग आते जो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लाइटें लगाई गई हैं, जो कि लाइटें देखिए ऑन है, और देखिए किस तरीके से नाइट में ज़बरदस्त लगता है देखने में। ये देखिए इसमें लाइटें लगी हैं, और लाइट जो अभी ऑन है दिन में, इसको बंद करना चाहिए। और इधर मैं आपको दिखाऊँ अगर तो ये देख पाइएगा, इधर जो ये इसके बाउंड्री का पूरा काम किया जा रहा है ऐसे ऐसे, ये पूरा पार्क है। और इधर भी देखिए सारी लाइटें ऑन है, ये देखिए दिन में पूरा ऑन किए हैं। इधर देखिए ये पिलर से देखिए जो है पूरा बाउंड्री बनाया जा रहा है, ये पूरा पार्क है पूरा। और इधर जो है वो राजदौर मंदिर, ये आप लोग देख पाइएगा यहाँ पे है। और इधर मैं आपको दिखाऊँ तो जैसे ही सेम सेम इधर बना हुआ है, वैसे जो है इस पॉइंट पर बनाया गया है इस साइड से। ये देखिएगा इधर भी वही सेम प्रोसेस किया गया है, और देखिए लाइट वगैरह जो है पूरा सब कुछ पूरा ऑन है। ये देखिए इधर भी लाइटिंग वगैरह सब ऑन कर दिया गया है, इसके बीच में भी लाइट है, ये रेड कलर का और ये जो है वाइट। ये देखिएगा तो कुछ इस तरीके से इधर अपडेट किए जा रहे हैं, पूरे पार्क का काम किया जा रहा है। इधर मैं आपको दिखाऊँ तो इधर भी देख पाइएगा, ये देखिए इधर के भी ये सारी चीज़ें जो है अपडेट किया जा रहा है। इधर भी पूरा वाल रहेगा, और ऐसे ऐसे इसको जो है पूरा घेर देंगे। ये देखिए अब इधर जो है कुछ अपडेट किए जा रहे हैं, जैसे देखिए पोल्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे पोल्स लगा के कुछ चीज़ें और बनाई जाएंगी। अब इसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि लोग आएँ तो इस पथ पर थोड़ा बहुत टाइम बिताएँ, रुकें यहाँ पर इसके लिए। देखिए इधर कुछ कार्य चल रहा है, इधर भी चीज़ें अपडेट कर दिया गया है पूरा। ये देखिए और इधर से जो है ये मार्ग आप देख पाइएगा, काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और यहाँ से आपको जाना है ऐसे ऐसे राम मंदिर का दर्शन करने के लिए, और आगे से आपको एक मार्ग मिल जाएगा, आप वहाँ से दर्शन कर पाइएगा। इधर आपको अमावराम मंदिर भी मिलेगा, सारी चीज़ें ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ अपडेट, जो कि छोटी सी वीडियो थी, मैंने आपको दिखाया हनुमानगढ़ी के निकास द्वार और ये सारी चीज़ें जो अभी भक्ति पथ मार्ग पे लेटेस्ट हो रही हैं ठीक है। तो बस इस ब्लॉग में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं और किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।